नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीवो कंपनी ने अपनी वीवो यू सीरीज को मार्केट में उतार दिया है और इसके साथ ही कंपनी ने इस सीरीज के अंदर पहला स्मार्टफोन वीवो U10 लॉन्च कर दिया है, जो कि बड़ी और अच्छा बजट स्मार्टफोन है। और इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत कंपनी ने इंडियन मार्केट में लगभग 9,000 रुपए के आसपास रखी है। तो दोस्तों, अब इसी मोबाइल को कड़ी टक्कर देने के लिए सैमसंग कंपनी अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल को लेकर आ रही है, जो कि बड़ी और अच्छा बजट स्मार्टफोन होगा और इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत लगभग 10,000 रुपए के आसपास रखी जाएगी। तो दोस्तों, मार्केट में इन दोनों स्मार्टफोन की कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों स्मार्टफोन का लुक और इनका डिजाइन भी एक जैसा है और इनके अंदर आपको फीचर्स भी लगभग एक जैसे ही देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करके बताएंगे कि आपको इनमें से कौन सा मोबाइल खरीदना चाहिए, कौन सा मोबाइल आपके लिए बढ़िया रहेगा और इनमें से कौन सा मोबाइल आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए इन दोनों स्मार्टफोन की फ्रंट पैनल और इनकी डिस्प्ले की, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको वी शेप की वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले दी गई है। दोस्तों, अगर सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 6.5 इंच की इन्फिनिट वी शेप की नोज डिस्प्ले दी है, जो की 1560x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो 19:9 है। और वहीं दूसरी तरफ अगर दोस्तों बात की जाए वीवो U10 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 6.35 इंच की HD IPS LCD डिस्प्ले दी है, जो कि 1544x720 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ है और इसका एस्पेक्ट रेशियो भी 19:9 है। तो दोस्तों, अगर इनकी डिस्प्ले के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों साइज के मामले में सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल आगे रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको HD डिस्प्ले दी गई है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के वेरियंट्स के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल को कंपनी ने मार्केट में 3 GB और 4 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 32 GB और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो U10 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल को भी कंपनी ने मार्केट में 3 GB और 4 GB रैम के साथ लॉन्च किया है, जिसके साथ आपको 32 GB और 64 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको दो दो वेरियंट मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इन मोबाइलों के कैमरा सेटअप के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी ने 13 MP, 8 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 8 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया है। वहीं अगर दोस्तों वीवो U10 मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर भी आपको कंपनी ने इसके बैक पैनल के ऊपर 13 MP, 8 MP और 2 MP का रियर कैमरा और 8 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो दोस्तों, इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको एक जैसा कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, इनके अंदर इतना डिफरेंस नहीं है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मोबाइलों के प्रोसेसर के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 650 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडीनो 506 का GPU दिया है। वहीं अगर दोस्तों वीवो U10 मोबाइल की बात की जाए, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट दिया है और यह मोबाइल भी एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर लॉन्च किया गया है और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडीनो 610 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर इनके प्रोसेसर के डिफरेंस की बात की जाए, तो दोस्तों प्रोसेसर के मामले में वीवो U10 मोबाइल आगे है। इसके अंदर आपको बड़ी और अच्छा प्रोसेसर दिया गया है, जिससे यह मोबाइल आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मोबाइलों की बैटरी के बारे में। दोस्तों, अगर बात की जाए सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 4000 mAh की बैटरी दी है। वहीं अगर दोस्तों बात की जाए वीवो U10 मोबाइल की, तो दोस्तों इस मोबाइल के अंदर आपको कंपनी ने 18 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 5000 mAh की बैटरी दी है। तो दोस्तों बैटरी के मामले में भी वीवो U10 मोबाइल आगे है। इसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और इसकी बैटरी भी बड़ी है, जिससे यह मोबाइल आपको लॉन्ग पावर बैकअप देगा। और दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको फेस अनलॉक और रियर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आपके लिए इनमें से कौन सा मोबाइल बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आप फीचर्स को देखकर समझ ही गए होंगे कि आपके लिए वीवो U10 मोबाइल बढ़िया और अच्छा मोबाइल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस मोबाइल की कीमत भी सैमसंग गैलेक्सी A20s मोबाइल से कम है। तो दोस्तों, आप इन दोनों स्मार्टफोन में से वीवो U10 मोबाइल को ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बड़ी बैटरी, बढ़िया और अच्छा प्रोसेसर और बड़ी डिस्प्ले दी गई है। बाकी दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा मोबाइल पसंद आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक।